नमस्कार दोस्तों, टीचर सिंह में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी। यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट में टीचिंग पोजीशन का वैकेंसी निकला है, तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, यह है पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट, जो एक स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यूनिवर्सिटी है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है द पंजाब यूनिवर्सिटी इज ए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन चंडीगढ़। तो यहाँ आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। नीचे आप यहाँ देख सकते हो मेंशन किया गया है कि बहुत सारा जो ऑप्शंस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में यहाँ मेंशन किया गया एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब्स, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। तो यह है करंट ओपनिंग्स, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे। हाँ, तो जो भी करंट ओपनिंग्स है आपको यहां दिखाई देगा। पहले आप देखिए, यहां मेंशन किया गया है यूनिवर्सिटी जॉब्स, लिस्ट ऑफ जॉब्स एंड पोजीशंस, सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ, इसमें आपको गेस्ट फैकल्टी का जॉब मीन्स वैकेंसी है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। देन पीयू स्वामी सर्वानंद गिरी रीजनल सेंटर, यहां भी आपको कुछ गेस्ट फैकल्टी का वैकेंसी मिलेगा। इसके अलावा डॉक्टर एस एस भटनागर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ भी आपको गेस्ट फैकल्टी का जॉब मिल जाएगा। देन आप यहाँ देख सकते हो मेंशन किया गया है कि सेंटर फॉर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ पार्टनरशिप प्रोग्राम, ये खत्म हो गया है, 15 तारीख इसका लास्ट डेट था। इसके अलावा आप यहाँ और एक देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, यहाँ भी जॉब है। तो इस प्रकार का बहुत सारे जॉब है आप यहाँ देख सकते हो। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। ये जो पहला जॉब है आप यहां देख सकते हो, यहां मेंशन किया गया है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ गेस्ट फैकल्टी इन द कंप्यूटर साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर इन द सेंटर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मींस पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में कंप्यूटर साइंस का मींस कैंडिडेट चाहिए। और ये जो है ये वॉक इन है, ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यह मेंशन किया गया है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ डिफाइन बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, और आपका जो मास्टर्स डिग्री है ये किस में होना चाहिए, एमएससी या एमसीए इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, नेट का डिग्री होना चाहिए। देन डिजायरेबल क्या मेंशन किया गया, कम से कम यदि 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी प्रकार एक्सपीरियंस तो ये अच्छा है, परंतु ये परमानेंट नहीं है कि ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, यदि किसी के पास है तो अच्छा है। देन द एप्लीकेशन मस्ट रीच द अनडिजाइंड सॉरी द एप्लीकेशन मस्ट रीच द अंडरसाइंड इन द ऑफिस और मेल, ये देखिए मेल आईडी दिया गया है 22/17/9/2021 अप टू 4 PM, ठीक है। और बाकी इसके लिए आपको जो सैलरी मिलेगा ये पर 1000 रुपीज करके आपको मिलेगा पर आवर के हिसाब से, और मंथली आपको 25,000 तक मिलेगा। और इसका जो वॉक इन होगा ये होगा आपका 27/9/2021 मंडे को 11 बजे, ठीक है। बाकी एड्रेस दिया गया है आप यहाँ देख सकते हो। और एप्लीकेशन भेजने के लिए जो इसका जो फॉर्मेट है मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, ठीक है, एप्लीकेशन कैसे भेजना है तो आप ये भी हम डिस्कस करेंगे इसको। देन नेक्स्ट जो जॉब है आप यहाँ देख सकते हो, ये है आपका वॉक इन इंटरव्यू फॉर द अपॉइंटिंग द गेस्ट फैकल्टी टू टीच द सब्जेक्ट ऑफ लॉ आपको पढ़ाना है, ठीक है। बाकी आप यहाँ देख सकते हो ऑल सेमेस्टर विल बी हेल्ड इन द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, यहाँ होगा आपका जो इंटरव्यू, यहाँ देखिए मेंशन किया है टोटल वैकेंसी है 2, ठीक है। और ये जो इंटरव्यू होगा ये 26/9/2021 फ्राइडे को होगा, ठीक है। टाइमिंग यहाँ देखिए मेंशन किया गया है 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपका जो डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू शुरू होगा 10 बजे तक, मीन्स 11 बजे से शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया गया है इसका लिंक, इसी लिंक में आप क्लिक करके आप इसको मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ। तो यह है इसका एप्लीकेशन फॉर्म, इसी एप्लीकेशन फॉर्म का आपको डाउनलोड करके फिलअप करके आपको भेजना है, ठीक है। देन और यहाँ भी देखिए सैलरी आपको जो मिलेगा 1000 करके मिलेगा पर आवर, और 25,000 हाइस्ट आपको मिलेगा। बाकी कुछ छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन दिया गया है आप देख सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म, देन नेक्स्ट इस प्रकार का और एक है आप यहाँ देख सकते हो, ये कौन सा डिपार्टमेंट से है, ये है आपका केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। गेस्ट फैकल्टी चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग, और आपका जो इंटरव्यू होगा ये 22/9 को होगा, ये जो एड्रेस दिया गया इसी एड्रेस पे,
यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा आपका 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, देन इंटरव्यू आपका शुरू होगा 11 बजे से, कब ना 12/9/2021 को। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या चाहिए क्वालिफिकेशन, देखिए यहाँ मेंशन किया बी बीटेक बीएस एमई एमटेक एमएस और इंटीग्रेटेड एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन एनी वन ऑफ द डिग्रीज, ठीक है ये चीज मेंशन किया गया, आप यहाँ से देख लेना 10:30 बजे और 1000 रुपया करके आपको मिलेगा पर आवर 25,000, ठीक है। देन यहाँ भी सेम चीज आप देख सकते हो, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड वॉक इन इंटरव्यू फॉर द अपॉइंटमेंट गेस्ट फैकल्टी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए या एमएससी होना चाहिए, ठीक है कंप्यूटर साइंस में, और 21 तारीख को होगा, ठीक है वॉक इन इंटरव्यू 2 बजे, आप यहाँ देख सकते हो मेंशन किया गया है, मंडे टू सैटरडे डे देन मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमएससी कंप्यूटर साइंस 9 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा, ठीक है यहाँ मेंशन किया गया है। तो शायद फर्स्ट आपका जो इंटरव्यू वेरिफिकेशन होगा मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका इंटरव्यू होगा, यहाँ भी देखिए लिंक दिया गया है, ठीक है इसी लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ मीन्स अप्लाई कर सकते हो, देन 1000 रुपया करके आपको मिलेगा, 25,000 करके आपको मंथली मिलेगा, 1000 रुपया आपको मिलेगा जो पर आवर के हिसाब से। तो इस प्रकार का बहुत सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, तो आप यदि इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, बहुत सारे जगह मास्टर्स डिग्री चाहिए, जैसे कि इंजीनियरिंग में आपका ग्रेजुएशन चाहिए बी बीटेक बीएस, तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है आप यदि इंटरेस्टेड हो तो आप यहां जाकर भी अप्लाई कर सकते हो, और जो नज़दीक वाला हो आप चाहो तो वहां जाकर मीन्स वॉक इन भी जाकर अटेंड करके यदि आप चाहो तो जॉब ले सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।